वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। स्वागत है आपका जनसत्ता में। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अम्फान तूफान की भारी तबाही के बाद अब एक और चक्रवाती तूफान का खतरा मंडराने लगा है। IMD यानी भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात में तूफान की चेतावनी जारी की है। यह तूफान दो दिन के भीतर यानी 3 जून तक दक्षिण गुजरात के तटीय इलाकों तक पहुंच सकता है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि कितना खतरनाक है महाराष्ट्र और गुजरात में आने वाला ये तूफान। दरअसल IMD ने मीडिया को अपने डेली बुलेटिन में बताया है कि दक्षिण पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर अगले 24 घंटों के दौरान एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा। यह उसके अगले 24 घंटों के दौरान और तीव्र होकर डिप्रेशन में बदलेगा और उसके बाद यह और तेज होकर तूफान का रूप ले लेगा। यह तूफान 3 जून यानी 48 घंटों में उत्तरी महाराष्ट्र व गुजरात के तटीय क्षेत्र के निकट पहुंच सकता है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने 4 जून को महाराष्ट्र और गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर कहा है कि उत्तर व दक्षिण गुजरात में तटीय इलाकों और अरब सागर में गए मछुआरे को 31 मई तक लौट आना चाहिए और 4 जून तक समुद्र की ओर नहीं जाना चाहिए। साथ ही मछुआरों को पश्चिम मध्य अरब सागर और साउथ ओमन व यमन तटों पर भी अगले 24 घंटों तक न जाने की सलाह दी है। तूफान से आगाह करते हुए अहमदाबाद मेट्रियोलॉजिकल सेंटर ने सलाह दी है कि उत्तर व दक्षिण गुजरात के तटीय इलाकों पर डिस्टेंस कॉशनरी स्टॉर्म वार्निंग सिग्नल शुरू किए जाएंगे क्योंकि समंदर की स्थिति बेहद खराब होने की संभावना है। IMD का कहना है कि 2 जून को हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा पर पहुंच सकती है और दक्षिण गुजरात तट पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा के झोंके आएंगे। 3 व 4 जून को गुजरात के तटों पर हवा 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी और झोंकों की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अम्फान चक्रवात ने भारी नुकसान पहुंचाया है। बंगाल में इस तूफान से मरने वालों की संख्या 90 से ज्यादा हो गई है जबकि 5 लाख लोगों को शेल्टर होम में रखा गया था। इस तूफान से हुए नुकसान के लिए केंद्र सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह तूफान कितना बड़ा था। जबकि मौसम विभाग का कहना है कि अम्फान जैसा तूफान बंगाल में पिछले 100 सालों में भी नहीं आया था। तो ये थी हमारी गुजरात और महाराष्ट्र में आने वाले चक्रवात पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी देश और दुनिया की और भी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।